अब लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की ये सब है क्या द बैटल फील्ड हैज चेंज रामायण के जो उस है ना रामायण की नैतिकता आप महाभारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते शेख मुजीबुर रहमान ने ये बोला वेन यू फाइट विद अ जेंटलमैन बिहेव लाइक अ जेंटलमैन बट वेन यू फाइट विद अ बास्टर्ड बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड बिकॉज इफ यू डोंट यू विल लूज तुम हार जाओगे के देखते रागे उसके ऊपर है पोर्टल के ऊपर है गालियां हमारी पोस्ट पे निकाल के जाते हैं जिनका काम डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर फिफ्थ जनरेशन वार या हाइब्रिड वार में मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया आदि का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा दुश्मन देश की जनता में आपस में टकराव या मनोवैज्ञानिक भय का वातावरण तैयार किया जाता है चीन इसी हथियार का इस्तेमाल मुख्य रूप से पाकिस्तान के द्वारा भारत में करता रहा है यह असल युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक होता है चीन ने इस कार्य के लिए बहुत सारे सोकॉल्ड so पत्रकार नेता एन सोशल एक्टिविस्ट की फौज तैयार कर रखी है साथ ही चीन ने बहुत सारे ऐप्स भी बना रखे हैं से टिक हेलो आदि इसके माध्यम चीन हमारे देश पर नजर रखता है अब भारत की जनता और भारत सरकार सचेत हो गई है और उसके नापाक इरादे को समझने लगी है यही कारण है कि भारत सरकार ने अभी हाल में ही एक चीन के एप्स पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत सरकार अपने पॉलिसी के तहत जनरेशन वार में सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन का जवाब नहीं देती पर अब चीन और पाकिस्तान को जवाब मिलने लगा है कौन जवाब दे रहा है किस प्रकार से जवाब दे रहा है आज के इस वीडियो में यही मुख्य विषय सामने आया है आइए सुनते हैं जंग को हम जंग समझते आए हैं आज तक फोर्टी एट सिक्सटी टू सिक्स नाइन वो जंग की सूरत पिछले दस पंद्रह साल में बदल चुकी है अब लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की अब लोग बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की अब लोग बात कर रहे हैं नॉन काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की अब लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की ये सब है क्या पाई का मैदान बदल बदल चुका है अभी द बैटल फील्ड हैज चेंज एंड इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन दोबारा वो बैटल फील्ड होगी नहीं कभी द बैटल फील्ड इज चेंज ऑफ राइट अब र्यूमर प्रोपागेंडा सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया प्रिंट मीडिया म्यूजिक फिल्म यू नो ऑल दीज थिंग्स डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोज पॉडकास्ट ये हैं यू नो ये नए हथियार हैं और मैं चाहता हूं कि सब लोग समझे नए हथियार हैं सीनियर uh, अधिकारियों को और मैं हर समय यही कहता हूं सोशल मीडिया इज अ वेपन ऑफ वॉर ट्विटर एक हथियार है आज का जो हाल आज के जो हालात हैं और टीनेजर टीनेजर विथ अ लैपटॉप इज एज डेंजरस एज एन इन्फेंट्री बटालियन अगर वो टीनेजर टैलेंटेड है अगर उसके पास ढंग की सॉफ्टवेयर और ढंग का हार्डवेयर है वो इतना घातक हो सकता है यह बात रशिया समझ चुका है इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस ये सब लोग समझ चुके हैं और ये बात इंडिया भी समझ चुका है हम लोग साइबर कमांड बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हम समझ चुके हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया हथियार हैं दे हैव बीन वेपनाइज इंडिया ने भी ट्रेड वेपनाइज करी ना भाई मलेशिया के जो महािर मोहम्मद थे हेड ऑफ स्टेट उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ बोला इंडिया ने पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया वहां से अब वो घुटने पे आ गए शेख मुजीबुर रहमान ने ये बोला व्हेन यू फाइट विद अ जेंटलमैन बिहेव लाइक अ जेंटलमैन बट व्हेन यू फाइट विद अ बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड बिकॉज इफ यू डोंट यू विल लूज तुम हार जाओगे रामायण और महाभारत अलग अलग युग में हुई थी रामायण के जो उसूल है ना रामायण की नैतिकता आप महाभारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग युग थे मैं फिर कह रहा हूं यस आई बिलीव इंडियन आर्मी इज अ अल आर्मी मैं भरोसा रखता हूं इस चीज पे लेकिन ये जो हम जंग की बात कर रहे हैं द बैटल फील्ड आपने मुझे ये बोला था आपने मुझे यह बोला था कि देश की रक्षा करनी है सरहद पे दिस इज वॉट यू टॉट मी अब सर सरहद बदल गई तो उसमें मेरी क्या गलती है वॉर हैज चेंज द बॉर्डर हैज चेंज इज इट माई फॉल्ट इट्स नॉट माई फॉल्ट आई डोंट बिलीव इट्स माई फॉल्ट सब कुछ बदल गया अब ट्विटर पर लड़ाई होती है और इनके बड़े बड़े लोग वो मलीहा uh, जो उनकी यूएन की एम्बेसिडर है वो सबके सामने झूठ बोल रही है पैलेस्टीनियन बच्चे को देखा सम्बडी विल काउंटर इट और वैभव एक बात बताओ यार भारत या हिंदुस्तान नाम में ऐसा जादू वैभव अभी भी ऐसे दीवाने हैं ऐसे पागल हैं ऐसे जुनूनी हैं जिनको आप बोलो कि देश की जरूरत है तो अपना घर बार छोड़ के सड़क पर आ जाएंगे और जो आईएसपीआर को डीजी आईएसपीआर को आज की तारीख में ठोक रहा है कौन ठोक रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ठोक रही

लेकिन इन्फेंट्री वाला रोज लड़ रहा है ना जमीन पे उसी तरीके से साइबर वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वाला रोज लड़ रहा है वहां पे रोज लड़ रहा है और ये जितने भी लड़के लड़कियां हैं हैं ये जितने भी लड़के लड़कियां जो हिंदुस्तान का झंडा हाथ में उठा के लड़ रहे हैं जो हर रोज सोशल मीडिया पर जाके हिंदुस्तान की कहानी सुनाते हैं और पाकिस्तानियों से लड़ते हैं पाकिस्तानियों का खासतौर से इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि सारा जहर वहां से आ रहा है जो उनसे लड़ रहे हैं मैं उनको वैभव सल्यूट करता हूं और ये फौजी से कम नहीं है ये लड़के लड़के यंगस्टर बच्चे हैं ये तो झूठी खबरें कश्मीर में कश्मीर में कर्फ्यू लग गया कश्मीर में एक लाख लोग कोई कहता है दो लाख लोग मार दिए कोई कहता है दस लाख जिसके मुंह जितना जबान है उतनी कहानियां उतनी दास्तान है हिंदुस्तान को बदनाम कर हमारी औकात मिट्टी की है अगर हिंदुस्तान नाम के आगे से हटा दो कि वी आर इंडियंस वी, वी आर वर्थ जीरो यार सो जब देश पे कुछ आएगा खतरा तो हम क्या वेट करते रहे कि सरकार वहां से घंटी घुमाएगी और बोले कि यहां भाई साहब आप एक्टिवेट हो जाओ एक रफेल की कीमत सोलह सौ करोड़ कितनी सोलह सौ करोड़ एक रफेल की कीमत इसका अगर दसवा हिस्सा सरकार कमिट कर दे एक सौ साठ करोड़ पाकिस्तान में आग लग जाए अगर हमारे इधारों की तरफ से हमें यह बताया जाता है कि हम हालत जंग में हमारे वजीर आजम आर्मी चीफ डी जी आई एस पी आर विफाकी मुजरा यह सब बात दोहराते हैं तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता ना कि इंडिया और दीगर ममालिक है या दुश्मन ममालिक मिलकर फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करना या तोड़ना चाहते हैं अब दुश्मन जी सब कुछ कर रहा है और इसमें काफी हद तक कामयाब है अलमिया यह है कि ये सब अपने ही लोगों से करवाया जाता है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में सबसे पहले हुकूमतों को कमजोर किया जाता है आप देख लें हमारी हुकूमतों का हाल हुआ हर वक्त कहीं ना कहीं से आवाजें आ रही होती हैं कि हुकूमत अभी गई है, गई, है, गई है कभी गई है कभी गई और जब हुक्मरान के सर पर हर वक्त घर जाने की तलवार लटक रही हो तो वो क्या परफॉर्म करें फिर आप इदारों का हाल देख लें इस वक्त कौन सा सरकारी इदारा है जो कि नफे में है नफा तो दूर की बात है इधारा खुद अपना खर्चा उठाने के काबिल नहीं हर इे को पालने के लिए हुकूमत को वही सब्सिडी देनी पड़ती है

इकोनॉमिक सबवर्जन भी है पॉलिटिकल ट्रीजन भी है गद्दारी सियासत में हो माशी सबवर्जन और दहशतगर्दी हो मीडिया तबलीगती अबलागी दहशत गर्दी हो इन सारे एक्सेस को मिलाकर फिफ्थ जनरेशन वॉर बनती है पाकिस्तानी रियासत क्या कर रही है मीडिया में दहशतगर्दी को रोकने की सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए साठ सत्तर चैनल हमारे पास हैं और कुछ पूरे पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने जिनका काम डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डीमोरलाइज होती है और वो काम कि जो टीटी -टी पी जमीन पर कर रही है इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर वही काम हमारे ये फिफ्थ कॉलमिस्ट ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है ये क्लेम करते हैं कि हम फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट हैं मॉरल सेंटिटी क्लेम करते हैं लेकिन एक्चुअली दे आर द फिफ्थ कॉलम्स ऑफ द एनिमी ये तमाम के तमाम रेगिंग से आते रहे अपने अपने में जहां इनका इख्तियार चला है किसी ने ऑर्गेनाइज रेगिंग की है किसी ने बाहर की ताकतों के साथ मिलकर रेगिंग की है और फिर जब पॉलिटिक्स में रॉ और सी ए दखल दे तो फिर आर्मी को लाजमन दखल देना चाहिए या आप मोरालिटी की बात उस वक्त करें कि जब आप फॉरेन हॉस्टाइल फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान के इंतखाबात का नतीजा ना तब्दील कर रहे हो इसके अंदर वो अर्दुगान और पुटिन वाली सख्ती नहीं है इसके अंदर वाली वाली है, इवन मुदी वाली है, इवन सख्ती नहीं ये दलेर लोग अपने अपने मुल्कों के लिए, अपने के लिए, लिए दलेर, है। है। हैं तो दलेर इंडिया हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता इंडिया कश्मीर को छोड़ने को तैयार नहीं है और अब इंडिया ने जो इनडायरेक्ट नॉन काइनेटिक वार हाइब्रिड वार और पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इकनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको कर करनी ये शुरू किए हुए तो अभी इनडायरेक्ट वार के ऊपर आ रहे हैं जिसका हमने मुकाबला करना है। जैसा कि फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के संबंध में ऊपर कहा जा चुका है कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है और इसके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फेक इन्फॉर्मेशन या पेड न्यूज़ के माध्यम से दुश्मन देश में असंतोष पैदा किया जाता है अपने देश के शासन के प्रति विरोध पैदा किया जाता है या मनोविज्ञानिक भय भी पैदा किया जाता है आपको बताते चलें कि फर्स्ट जनरेशन वार के अंतर्गत सेना में आमने सामने लड़ाई भाले तीर तलवार से होता था सेकेंड जनरेशन वारफेयर में बंदूक का आविष्कार हुआ और बारूद का आविष्कार हुआ तो फिर दूर से ही एक दूसरे पर वार होने लगे थर्ड जनरेशन वार में युद्ध के जो उपकरण थे जैसे टैंक एयर एरोप्लेन आदि मेकनाइज वे में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी फोर्थ जनरेशन वार में फिर इनके अलावे डीप एस्टेट एक्टर या चरमपंथियों को एक देश दूसरे देश में भेजकर उस देश में असंतोष और जान माल का नुकसान करवाता था फिफ्थ जनरेशन वार में एक अलग तरह का वारफेयर है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और यह देखा जाता है कि उस देश में क्या कमजोर कड़ी है अगर किसी देश में मान ली हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम में दंगों की खबरें आती रहती हैं इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके दुश्मन देश एक दूसरे के प्रति असंतोष पैदा करता है इससे दो समुदायों में तनाव होता है और जो बाद में कभी कभी दंगे का रूप ले लेता है तो इस प्रकार भारत सरकार तो पाकिस्तान में अभी तक फिफ्थ जनरेशन वार अपने स्तर से नहीं करती है जबकि पाकिस्तान के सेना में इस आईएसपीआर एक पी सेल ही है जो इसका काम ही है दूसरे देश में फिफ्थ जनरेशन वार करना लेकिन अभी तक हमारे देश की सेना में इस प्रकार की कोई फिफ्थ जनरेशन वार या प्रभगंडा फैलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है लेकिन हमारे देश के नौजवान पढ़े लिखे लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं सबसे इसमें ताज़ा उदाहरण गौरव आर्या का है जो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और और हम आप भी यही कर रहे हैं आइए इसमें सहयोग दें और जो काम देश की सेना नहीं कर रही है देश की सरकार नहीं कर रही है वो हम कर सकते हैं हम अपने देश को मजबूत बनाए सक्षम बनाए आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय